सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, वैसे मेरी 8 को थी डेट इंजेक्शन लगाने की, और उस दिन होली हुई तो थी तो बिजी हो गए थे और बिल्कुल टाइम नहीं मिला, और 9th को तो बिल्कुल ही भूल गए और आज 10th को जा रहे हैं। वो भी मेरे को अभी ऐसी मैंने क्या याद है, मैं ना डॉक्टर के पता ही वो खेल रहे थे कुछ फोन में ना गेम, उसमें इंजेक्शन देखा और इंजेक्शन उस टाइम भी आना, मेरे को बहुत डर लगता है इंजेक्शन से, मैं बता नहीं सकती हूँ गाइस। बाय टाटा। सो गाइस हमारे ना घर के सामने एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, हमारा घर मतलब हमारे घर के सामने बहुत ही पास है हॉस्पिटल भी, बाजार भी और सर्किट हाउस भी। सो गाइस एकदम से ना मेरी हार्ट बीट बहुत तेज़ होगी, मुझे पता नहीं मुझे किसी चीज़ से डर लगता है, मेरे को स्नेक्स से डर लगता है, बट मेरे को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। सो गाइज मैं आपको ये बताना भूल गई कि इंजेक्शन क्यों लग रहा है। एक्चुअली मीनू ने मुझे थोड़ा हल्का सा ना स्क्रैच पड़ गया था उससे, मतलब बाइट हो गया था, कोई उसकी बेचारी की गलती नहीं है, मैं खेल रही थी और उसकी पूंछ छेड़ रही थी बार बार, इसलिए उसने मुझे काट लिया, पर बहुत ही हल्का सा बाइट था, पर फिर भी सेफ्टी रीजंस के लिए हमने रेबीज के इंजेक्शन लगा दिया। यह है वो इंजेक्शन जो मुझे लगेगा, बहुत डर लगता है गाइज। पतली सूट है, अरे भैया स्टाइल ही बड़ा अजीब सा लगा लेगा, लो तो सूज जाता है एकदम, फेंक के करते हैं। हाँ पर उन्हें पता है कि मैं पागल हूँ, मैं चिल्लाने लग जाऊंगी। खुशखबरी मुझे इंजेक्शन नहीं लगा, क्योंकि मेरे को 3 डोज लग गए थे और ये तो सिर्फ 4th डोज, इतनी कोई वो नहीं थी जरूरत लगाने के, फिर बूस्टर डोज था, सो फ्रीकिंग हैप्पी। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, एक तो ना मुझे सब पहचानते हैं कि ये वही लड़की रोने वाली लड़की, और बोला कब रोई, बस मैं चिघाड़ती हूँ, इसको नहीं लगेगा इंजेक्शन, मुझे लगाना भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ मुझे नहीं लगा। आई नो गाइज अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ, बट आप ना मेरी खुशी नहीं मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, मैं बता रही हूँ मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। सो अभी मम्मी जबरदस्ती लेके आ गए मेरे को सर्किट हाउस, एक बारी ना मैं नानी और यहाँ से ना हमेशा घूमने आते थे, और एक बारी मेरे को यहाँ बंदर पीछे पड़ गया था, उसका तो मैंने कान पकड़ लिया था कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी, इतना डर लगता है गाइज, यहाँ बंदर ना पीछे पड़ गया था, मतलब हम दोनों गिर गए थे। ओह माय गॉड इतनी गर्मी हो गई नहाने, बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है। सो गाइस जो ये शिवलिंग है यहाँ अपने आप ही स्थापित हुई है, मतलब अपनी यहीं से निकली हुई थी जो सामने ये पेड़ की, हाँ यहाँ अपने आप से ही निकली हुई थी और फिर ये यहाँ स्थापित कर दी। क्या बोलते हैं, कितनी अच्छी कितनी अच्छी हवा चल रही ना। वृद्धि वृद्धि को कॉल करते, पापा को बुलाते, वृद्धा भाई, ओ भाई मम्मी, और अभी मम्मी यहाँ से नीचे गिर गई। हाय पापा ने मुंह बना लिया उसके बाद, आ रहे हम नीचे आ रहे, मैं भी जाऊंगी। चलो बाय। इस शिवलिंग की बात कर रही थी मैं गाइस, ये गाड़ी ऐसी लग रही है कि गिर जाएगी, कभी भी गिर सकती है। आराम से आते रह रही मम्मी, पर मुझे आराम से चलने की दिक्कत है क्योंकि मैं आराम से नहीं चल सकती हूँ, मेरी नॉर्मल स्पीड भी ऐसी लगती है जैसे मैं भाग रही हूँ। और हम अपने घर पहुँच गए, चलो चलते अंदर। सो गाइस मम्मी अभी पीछे से आ रही थी, मम्मी को डराते हैं। मेरे को भी मत तू।
गाइस आज के ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।